स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती है, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम बरसा है, वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूँ ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाज़ार में ले जाता है तो वहां पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और ख़रीद कर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है, इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दे। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दे ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है, आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की।